तो ये है हमारा एडेनियम प्लांट 2500 को, इसको मैंने रिपोर्ट किया है था तो इसके रूट बाहर निकाल दिए थे। तो तेज़ गर्मी पड़ रही है और इसके रूट बाहर निकले हुए थे, तो मैंने इसका क्या इलाज किया है, जो फर्श में नीचे बिछाते हैं मैट, उस मैट को जो बेकार हो गया था हमारे घर में, वो उसको मैंने गुलाई में काट कर और इसके चारों साइड लगा दिया है, और जिससे इसके रूट जलेंगे नहीं और गर्मी का असर इसके ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमने सारे एडेनियम पर उसके पोटेस के ऊपर जो है इसको मैट को काट काट के और रख दिया है, तो जिससे हमारे जो पोटेस हैं वो तेज़ गर्मी से जलेंगे नहीं, क्योंकि ये जब तेज़ गर्मी पड़ती है पोटेस गर्म होके और पीले पड़ जाते हैं, तो जब पीले पड़ जाते हैं तो वहीं पर इनमें फंगस लग जाती है और ये गलने लगते हैं। तो तेज़ गर्मी का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप कोई कुछ नहीं तो नारियल के जो टुकड़े होते हैं वो काट के आप इनके पोटेस के चारों साइड लगा दें, उससे भी आपका ये एडेनियम जो है वो आपका सूखेगा नहीं और गर्मी का असर उनके ऊपर भी नहीं होगा। और जो गमले आपके हैं इनके नीचे भी आप कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे छत की गर्मी इनको ना पहुंचे। तो तेज़ गर्मी में इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बहुत ज़रूरी काम है कि अपने प्लांट को एक दूसरे से सटा कर रखें, उससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो बनता है आपस में और उससे पौधों के अंदर नमी बनी रहती है, उसकी वजह से पौधे जो हैं वो आपके गर्मी का असर उनके ऊपर कम होता है और वो मॉइस्चर उनमें रहता है, तो इस बेस पे पौधे पर गर्मी का असर कम होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप पौधों को गर्मी में, तेज़ गर्मी में एक दूसरे से सटा कर रखें और उसकी वजह से जो आपके पौधे पर किसी किस्म का गर्मी का असर नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी काम है गार्डनिंग के लिए। और इस तरीके जो लोग टेरिस के ऊपर लगाए हुए हैं हमारी तरह, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी काम है। और ज़्यादा बड़े गमलों में जो है पौधा उन पर कम असर होता है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनका जो बहुत जल्दी सूख जाते हैं तो उनके अंदर सूखने का ज़्यादा ख़तरा होता है। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े गमले आप टेरिस पे रखें कि जिससे जो मिट्टी आपकी है गमलों के अंदर वो सूखे ना, उनमें नमी बनी रहे और उससे पौधा आपका हेल्थी रहेगा। हमारा ये देखिए, हम ज़्यादातर पॉट अपने खुद बनाते हैं और सारे पॉट हमारे खुद के बनाए हुए हैं। ज़्यादातर ये देखिए, ये बिगनवेलिया का जो गमला है ये सेलो पॉट हमने बनाया था और इसमें बिगनवेलिया का बोनसाई लगाया मैंने। इसको लगे हुए लगभग इसमें 10 साल हो गए हैं और ये हमारा खुद का बनाया हुआ है और काफ़ी चौड़ाई में बहुत बड़ा है। ये चौड़ाई में ये लगभग 20 इंची है और ऊंचाई इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 इंच की है। तो और ये जो चंपा वगैरह जो है ये हमने 20 इंची गमले में लगाए हुए हैं। ये इसके पॉट हमने खुद बनाए, जो बाल्टी आती है 20 लीटर की, उस बाल्टी के अंदर हमने इन गमलों को बनाया है। और ये जो हमारा आप देख रहे हैं अनार का पेड़, ये भी गमले में लगा हुआ है, इसका भी सेलो पॉट है और ये हमने खुद बनाया था। इतना पुराना पेड़, कम से कम 25 साल पुराना ये पेड़ है और उसको हमने सेलो पॉट में बोनसाई की तरह लगाया हुआ है और ये बेहतरीन ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए आप, बेहतरीन ग्रोथ कर रहा है और किसी किस्म का गर्मी पर इसका कोई असर नहीं है। अब ये बड़े गमले की वजह से हमारे प्लांट छत के ऊपर जो हैं वो सूखते नहीं हैं, क्योंकि पानी की मात्रा उसमें बनी रहती है और छोटे गमले की जो है वो जल्दी सूख जाती है। ये एक अनार लगा हुआ है हमारा इधर पीछे, ये भी 20 इंची गमले में है
और ये जो हमने बनाया है ये फाइकस का बॉन्साई, तो ये इसका पॉट देखिए आप, इसका साइज़ ये भी मेरा खुद का बनाया हुआ है, और इसका साइज़ देखिए आप, ये चौड़ाई में ज़्यादा है। और ये जो टैंक रखा हुआ है, ये कितना बड़ा ट्रंक है, इसके अंदर मैंने अमरूद के पेड़ लगाए हुए हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो ये मैंने इसकी ट्यूनिंग कर दी है अभी तो फ़िलहाल के लिए, अब ये 10-15 दिन में कलियाँ देगा और ये कोपल इसकी निकली आएगी। तो सारे बड़े गमले जो हैं वो गर्मियों में होना चाहिए छत के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि तेज़ हवाएं चलती हैं उसमें छोटे पौधे जो हैं वो गिर जाते हैं। तो अगर आपका बड़ा पौधा होगा, बड़ा गमला होगा और बड़ा पौधा उसमें लगा हुआ है तो वो बचा रहता है, और छोटे छोटे गमलों में अगर आप प्लांट लगा देंगे ऊंचा, थोड़ा लंबा 2-3 फीट का, तो वो फौरन आंधी में गिर के और गमला फूट जाएगा आपका। तो इसलिए गमला आपका कम से कम 20 इंच का होना चाहिए। इतने पुराने पुराने पेड़, ये चंपा का हमारा कम से कम 13-14 साल पुराना चंपा का पेड़ है, और ये ग्राफ्टेड भी है, इसमें 7-8 कलर हमने ग्राफ्ट किए हैं, और अभी तो खैर 3-4 ही कलर इसमें खिले हुए हैं फिलहाल। और जब हम इसमें खाद कुछ पोटाश की और देंगे कि ताकि इसमें सब सारे ब्रांचों में इसके फूल आए, अभी तो सिर्फ 3 कलर इसमें खिले हैं, रेड और गुलाबी, और उसके बाद में एक शायद तो पीला खिला है। तो 3 कलर के फ्लावरिंग। अब ये देखिए मेरी हरी मिर्चें जो अचार वाली थी उसमें मिर्चें लग के और पक गई हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए अभी गांव चला गया था और उसकी वजह से हमारे पौधों में पानी वानी भी ठीक से नहीं दे पाया, और टाइम बे टाइम तो काफ़ी पौधे ख़राब भी हो गए, अमरूदों के पत्ते वगैरह सब झड़ गए, तो उसकी वजह से मुझे ट्यूनिंग भी करनी पड़ी उनकी, और जो फल लगे हुए थे वो भी सब गिर गए। तो सारे फल हमारे फलदार पौधों में आए हुए थे, लेकिन उस बीच में गर्मी भी तेज़ थी और मैं गांव चला गया और उसमें पानी ठीक से नहीं टाइम से पड़ पाया, तो हमारे सारे फल गिर गए। अमरूद तो कम से कम 8-10 किलो अमरूद निकलता, लेकिन सारे के सारे वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, नींबू के साइज़ के हो गए थे, वो सब गिर गए हमारे। बहुत हमें अफसोस हुआ उन नींबुओं का। अब ये देखिए हम सब बड़े गमलों में, ये हमारा ये सामने जो आपको देख रहे हैं ये सारे बड़े बड़े गमलों में लगे हुए हैं, इनका किसी का भी गमला छोटा नहीं है। और ये छोटे छोटे जो डब्बे रखे हुए हैं तो इनमें मैं दोनों टाइम पानी डाल देता हूँ, और ये पौधे भी ऐसे हैं कि अगर ये तेज़ गर्मी पड़ जाए तो हल्के से शाम के टाइम मुरझाते हैं। और ये हमने वो लगाई हुई है अपनी ड्रैगन फ्रूट, और ये भी लगभग 20 इंची बाल्टी के अंदर लगा हुआ है, ये भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो सेलो पॉट जो है वो भी अच्छा, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है जेड प्लांट पे, तो इस वजह से इसको कितनी गर्मी पड़ जाए और ये छोटा गमला हो तब भी कोई असर नहीं पड़ता है। अब सामने जो बिगुनवेलिया हमारी लगी है, ये हमारी सब प्लास्टिक बाल्टियों में है, लेकिन बाल्टियों के साइज़ काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इस वजह से हमारी बिगुनवेलिया की भी सब सही सलामत चलती है। बिगनवेलिया का तो खैर यह है कि उसको कितनी भी गर्मी पड़ जाए उसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है, हल्का सा मुरझाता है और उसके अलावा कुछ भी उसमें नहीं होता है। अब चलते हैं, देखिए आप इनकी फ्लावरिंग देखिए कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है, अभी शुरू हुई है, अब इसके बाद में भर के आ जाएगा तो आप ये बिगनवेलिया हमारी देखने लायक होगी। बिगनवेलिया के हमारे पास बहुत क्वालिटी हैं, कम से कम 10-12 क्वालिटी हमारे पास बिगनवेलिया की हैं, और सारे कलर अलग अलग हैं। तो बिगनवेलिया के भी हम बहुत शौकीन हैं, जिस तरीके से हम अडेनियम के शौकीन हैं, अडेनियम के भी कम से कम हमारे पास 100 से कुछ ही कम होंगे, नहीं तो 100 प्लांट हैं लगभग। और मैं अब मेरा सीड पॉट आ गया है तो मैं और नए ग्रोथ करूँगा, अभी हमने पिछले साल ग्रोथ करे थे वो हमारे अच्छे खासे बड़े बड़े हो गए हैं बेबी प्लांट, और इस साल जो मैं ग्रोथ करूंगा तो 2 महीने के बाद हमारा सीड पॉट तैयार हो जाएगा और उसको मैं कलेक्ट करके और फिर उसको मैं ग्रो कर दूंगा, अगस्त के महीने के आसपास जाके वो तैयार होगा, तो उस पीरियड में मैं इसको अपने एडेनियम के सीड ग्रो करेंगे और उसकी शेयर भी आपके साथ, उसका वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों को दिखा के, और फिर उसको हम उसको बीज को बोएंगे कोकोपीट के अंदर, और जो भी मटेरियल डालेंगे उसकी मीडिया बनाएंगे, और जिस तरीके से सीड ग्रो करे जाते हैं वो सब प्रक्रिया आप लोगों के सामने हम लोग करेंगे।
और दोस्तों खादे हम ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गोबर की खाद या बकरी की मैंगनी या लीफ कंपोज, इन खादों को ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारे प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और हमारे पास काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं हमारे प्लांट की, हमारे गार्डन की और हमारे प्लांट की हरियाली की। लोग कमेंट्स में बहुत तारीफ करते हैं, तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा अगर आप ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करें। और DAP वगैरह कभी बाय चांस एडेनियम वगैरह में मैं इस्तेमाल कर लेता हूं, और किसी चीज़ में और प्लांटों में हम जो वैसी खाद है रासायनिक वो हम कभी नहीं डालते हैं। सबको रिपोर्ट करते टाइम हम गोबर की खाद या बकरी की मैंगनी में रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद में बीच में एक दो मरतबा हमने उसको फर्टिलाइज़र कर दिया, फिर हम उसमें और कुछ नहीं डालते, बस सिर्फ लिक्विड खाद पर हमारे पौधे चलते रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आप लोग हमारे वीडियो बहुत अच्छे दिलचस्पी से देखते हैं और हम उसी तरीके से चाहते हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्लांट के बारे में देते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।